हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफिक्स होम कुकिंग एंड व्लॉग्स। आज मैं आप सबके साथ माता चिंतपूर्णी और माता ज्वाला देवी का व्लॉग शेयर करूंगी। आप सब लोग भी कर लो माता चिंतपूर्णी और माता ज्वाला देवी जी के दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा और करते हैं माता रानी का दर्शन। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम लोगों ने ये यात्रा रात में शुरू की थी और हम सब भजन कीर्तन करते हुए कुछ टाइम बाद बस बीच में किसी ढाबे पे रुकी और सबने रिफ़्रेशमेंट ली और कुछ टाइम के बाद माता चिंतापूर्णी के लिए वापस चल पड़े। हम लोग सुबह 3 बजे के आसपास चिंतापूर्णी पहुंच गए थे। कुछ टाइम रेस्ट की और फ्रेश होकर सभी दर्शन के लिए चल पड़े। हमने यहाँ से दर्शन पर्ची ली और ये दर्शन पर्ची हमें दरबार में प्रवेश करने से पहले वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन्हें दिखानी होती है, तो उसके बाद ही हम लोग मतलब दरबार की तरफ एंटर कर सकते हैं। हम लोग माता रानी के दरबार की तरफ गेट नंबर 1 से गए। यहाँ पर प्रसाद के लिए बहुत सारी दुकानें हैं और दुकानदार आवाज़ दे देकर बुला रहे थे कि हमारी दुकान से प्रसाद लो, हमारी दुकान से प्रसाद लो। और कुछ कुछ दुकानदार तो ऐसे थे कि हाथ पकड़ पकड़ कर मतलब बोल रहे थे, खींच रहे थे एक तरह से कि हमारी दुकान से प्रसाद ले लो। हम लोगों ने मंदिर के बिल्कुल पास ही जो दुकान थी वहीं से हम लोगों ने प्रसाद लिया। यहाँ पर हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को पर्ची दिखाई और यहाँ से हम लोग दरबार में एंटर कर गए। और वो जिस दिन हम लोग गए उस दिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। ये Thank you.
हमें बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए। पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया और माथे पे तिलक लगाया और फिर हम वापस निकल पड़े। हमने यहाँ से प्रसाद लिया था और यहीं पर ही हम लोगों ने जूते चप्पल उतारे थे। हम फिर वापस नीचे आए और यहाँ पर बाज़ार में हम लोगों ने घर के लिए प्रसाद लिया और कुछ चीज़ें घर के लिए ख़रीदी। यहाँ बाज़ार में आप सबको लकड़ का सामान, बच्चों के लिए खिलौने, माला, पूजा का सामान, आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर हम वापस धर्मशाला आ गए। वहाँ आकर हमने हलवाई से लंगर बनवाया। लंगर बनने के बाद माता रानी को भोग लगवाया।
हम सब ने लंगर खाया। लंगर खाने के बाद हम सब लोग माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए चल पड़े। उसका व्लॉग आपको बहुत जल्द मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की फ्रेंड्स।